शर्मा है, नेशनल सीड्स कंपनी की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम आए हुए हैं ग्राम लौकीपार में, यह जिला नरसिंहपुर में ग्राम लौकीपार है, और ये हमारे साथ उपस्थित है सिंहपुर के भगोरिया कृषि केंद्र के संचालक ललित शर्मा जी। आइए हम देखते हैं, ये नेशनल सीड का 9140 मक्का लगा हुआ है। आइए हम कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी सबसे पहली और प्रमुख विशेषता यह है, इसकी जो हाइट आती है, मैक्सिमम इसकी जो हाइट आएगी 6.5 से 7 फीट की आएगी। ये लगभग मेरी हाइट 6.25 फीट की है, लगभग ये 6 फीट की हाइट इसकी पौधे की है। अपन इसकी बात करें तो इसकी जो पत्तियां हैं आपको दिख रही होगी इतनी हरी भरी, ये जो पत्तियां हैं इसमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होने की वजह से इसका जो पौधा आपको दिख रहा होगा, पत्तियां भी सब पूरी हरी भरी दिख रही है, इसमें क्लोरोफिल की एक्स्ट्रा मात्रा होने की वजह से दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे तो ये भुट्टे की, आप ये भुट्टे देख रहे हैं कितने क्लोज डिस्टेंस में भी इतना पूरा सेम आकार के आए हुए हैं, और ये जो भुट्टा आएगा ऊपर तक टिप फिलिंग के साथ आएगा। हम देख रहे हैं कि ये जो भुट्टा निकला हुआ है फसल में, लगभग 3 फीट के, 3 से 3.5 फीट की हाइट होगी इसकी, जो ये भुट्टा निकल के आ चुका है। इतने कम डिस्टेंस के बाद भी ये जो लगी हुई है फसल, ये पूरा ऊपर तक टिप फिलिंग के साथ आएगा। इसकी जो छुई आती है जिसको बलरी कहते हैं, बलरी जो है इसकी जो पतली आती है, दाने वजनदार आते हैं, और इसकी जो मेक विशेषता यह है कि इसमें जो जड़ें आती हैं इसकी डबल लेयर के साथ आती है। आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी जो विशेषता है। एक देखिए, एक जड़े के ऊपर तक इसे दिख रही है, एक अंदर एक और लेयर बनी हुई है इसमें, पास में दिख रहा होगा, इसमें एक अंदर एक और लेयर बनती है जिससे ये फसल को जकड़ के रखती है। अदर वेराइटी की अपेक्षा यह गिरने की संभावना इसकी कम रहती है, और इतने कम डिस्टेंस में भी लगने के बाद भी ये ऊपर तक टिप फिलिंग के साथ आएगा, जिससे प्रति एकड़ अदर वेराइटी की अपेक्षा इसका उत्पादन 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ का आपको अधिक देखने को मिलेगा।